आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक नवरात्र जारी है। माता की शक्ति के रूपों की आराधना इस अवसर पर की जाती है। 17 अक्टूबर मंगलवार को तीसरा दिन शारदीय नवरात्र का। इस दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा माता की पूजा की जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणी है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। माता के मस्तक पर घंटे के आधा आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा हुआ है। माँ दुर्गा की यह शक्ति तृतीय चक्र पर विराज कर ब्रह्मांड के 10 प्राणों व दिशाओं को संतुलित करती है और महाआकर्षण प्रदान करती है। इनकी उपासना से भक्तगण समस्त सांसारिक कष्टों से निजात पाकर सहज ही परम पद के अधिकारी हो जाते हैं। नवरात्र के तीसरे दिन दुर्गा जी के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा देवी का वंदन पूजन किया जाता है। ये विधान है, इन देवी के मस्तक पर चंदन के घंटे के आकार का आधा चंद्रमा विराजमान है, यही कारण है कि इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और वाहन से हैं। इन देवी के हाथ 10 हाथ माने गए। ये कमल, धनुष, बाण, खड़ग, कमंडल, त्रिशूल, तलवार और गदा जैसे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और शीर्ष पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। चंद्रघंटा माता युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती हैं और तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं। माता की पूजा करने से बहुत से ही फल मिलते हैं। माता के कथा के संबंध में पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय पर दानवों के स्वामी महिषासुर ने इंद्रलोक और सर्वलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए देवताओं पर आक्रमण कर दिया गया था। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया था। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। विभिन्न देवालयों के हम आपको यहाँ दर्शन करा रहे हैं। अगर आप देवालय नहीं जा पा रहे हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के माध्यम से आप देवालयों के दर्शन, माता की प्रतिमा के दर्शन कर सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार काफ़ी दिनों तक देवताओं राक्षसों के बीच युद्ध चला। युद्ध में देवताओं को जब पराजित होने लगे, खुद को पराजित हुए, देवता मिलकर त्रिमूर्ति अर्थात त्रिदेव भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। उन्होंने त्रिदेव के आगे राक्षस से बचाने की कामना की। राक्षसों के इस युद्ध की बात सुनकर त्रिदेव बहुत क्रोधित हुए और उन्हीं के क्रोध से माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति हुई। भगवान ने माँ चंद्रघंटा को प्रणाम कर महिषासुर के उद्धार दिलाने की प्रार्थना की। उनके सहमत होने पर सभी देवताओं ने माता को अपने अस्त्र शस्त्र दिए। यही वजह है कि माता के हाथों में धनुष, बाण से लेकर तलवार, त्रिशूल, खड़ग आदि हैं। देवराज ने माता को घंटा भेंट किया। इस माता के माथे पर आधा चंद्र दिखने लगा। सभी ने माता का नाम, उसी के बाद माता का नाम चंद्रघंटा हो गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। विभिन्न देवालय हम आपको दिखा रहे हैं, देवालयों के आप दर्शन कर सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की खबरें आपको पसंद आ रही हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। माता का तीसरा रूप चंद्रघंटा, और इस तरीके की मान्यता है कि देवी के इस रूप का पूजन करने से मन को अलौकिक शांति प्राप्त होती है और इससे न केवल इस लोक अपितु परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। माता के वंदन से मन में परम सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती है जो मन को बहुत शांति प्रदान करती है। चूंकि इनका वर्ण स्वर्ण जैसा चमकीला है, ये हमेशा असुरी शक्तियों के विनाश के लिए सदैव तत्पर रहती हैं, इसलिए इनकी साधना करने वाले को अपूर्व शक्ति का अनुभव होता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा में दूध का प्रयोग कल्याणकारी माना गया है। माँ दुर्गा का पहला शैलपुत्री और दूसरा ब्रह्मचारिणी भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए, जबकि माता भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त कर लेती हैं, तब वे आदिशक्ति के रूप में प्रकट होती हैं और चंद्रघंटा बन जाती हैं। देवी पार्वती के जीवन में तीसरी सबसे बड़ी घटना के रूप में उनको प्रिय वाहन बाघ प्राप्त होता है, इसलिए माता बाघ पर सवार होकर भक्तों को अभय प्रदान करती हैं। माता को लाल रंग बहुत प्रिय है, इसलिए माता की पूजा के लिए वक्त अगर समय अगर आप लाल वस्त्र धारण करते हैं तो माता आपसे बहुत प्रसन्न हो सकती हैं। माता चंद्रघंटा को भोग के रूप में दूध और केसर से बना दूध और केसर
से बना घी बहुत प्रिय है। इसके अलावा दूध से बनी मिठाइयों का भोग भी लगा सकते हैं। माता को फलों में केवल केले का भोग लगाना शुभ होता है, इसलिए माता चंद्रघंटा का आशीर्वाद इससे प्राप्त होता है। व्यक्ति के मनुष्य के अटके काम भी इससे पूर्ण हो जाते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। माता की आराधना, माता का ध्यान करने से आपके मन में एक अलौकिक ऊर्जा की का संचार होता है। सिडनी शहर के विभिन्न देवालय हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार ही हर साल हमने नवरात्र समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा नवरात्र हो या बुद्ध विनायक भगवान गणेश के आगमन का गणेश उत्सव, सदैव ही समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का प्रयास रहा है कि भक्तों को देवालयों के दर्शन जरूर कराएं। देखिए कितना सुंदर यहाँ देवालय प्रतीत हो रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। माता की उपासना करते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए, जैसा आचार्यों का कहना है। मंत्र इस प्रकार है, या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ होता है, मां सर्वत्र विराजमान और चंद्रघंटा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको बार बार प्रणाम है। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। इस दिन सांवली रंग की ऐसी विवाहित महिला जिसके चेहरे पर तेज हो को बुलाकर पूजन करना चाहिए। भोजन में दही और हलवा खिलाएं। भेंट में कलश और मंदिर की घंटी भेंट जरूर करना चाहिए। जिस तरीके की बातें आचार्यों के द्वारा बताई जाती हैं वो हम आपके साथ साझा करते हैं। माँ का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा बहुत परम शांतिदायक कल्याणकारी है। बहुत ही सुंदर प्रतिमा माता की हर जगह दिखाई देगी। माता विंध्यवासिनी का ये मंदिर अब आपको दिखा रहे हैं। इसके पहले माता देवाला का भी मंदिर दिखाए हैं। हम आपको लगातार ही विभिन्न देवालयों के दर्शन करा रहे हैं। प्रयास यही है कि नवमी तक आपको विभिन्न देवालयों के दर्शन हम अवश्य कराएं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में विभिन्न खबरों के साथ धर्म कर्म की खबरें भी प्रमुखता के साथ प्रसारित की जाती हैं। राजनीतिक माहौल चल रहा है, इसलिए फिलहाल सभी अगर माता के ध्यान में लगन मगन रहे। इसके साथ ही एक बात और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आपसे अपील करना चाहती है, जो भी पंडाल लगे हैं, जो भी दुर्गा उत्सव समितियां, उनसे अपील है कि वे आने जाने वालों के लिए रास्ता जरूर छोड़ें, बाधा आने जाने वालों के लिए बाधा उत्पन्न ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही गरबा जहां भी हो रहा है वहां पर बड़कीले और अश्लील वस्त्रों को, उत्तेजक दिखने वाले वस्त्रों का धारण अगर करके कोई आता है तो उसको पूर्ण रूप से उसको बहिष्कार करें, उसे वहाँ प्रवेश ना दें, अश्लीलता को बढ़ावा ना दें। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान है, अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। शासन प्रशासन के द्वारा निर्धारित गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हों तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये खबरें कैसी लग रही हैं और आप इसके अलावा क्या देखना चाहते हैं। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।